सनातन कितना गहरा है, हिंदू धर्म इतना इतना सरल, इतना सहज, इतना साइंटिफिक है, लेकिन आप कभी इस सिद्धांत को समझ ना पाए, अपनी संस्कृति अपने संस्कारों को ना समझ पाए। इसलिए आज हमारे हिंदुस्तान में लाखों हिंदू आज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, अन्य धर्मों में बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने धर्म का उन्हें ज्ञान नहीं है, अपनी संस्कृति अपने संस्कारों को वो जानते नहीं है। हिंदू भटक गया है साहब, हिंदू आडंबरों में बट गया, आडंबरी होता चला गया, बकरे को मारना वो सही ठहराने लग गया, मांस खाना शराब पीने को हिंदू कुछ हिंदू सही ठहराने लग गए, जो खाते हैं कैसे सही हो जाएगा। अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से फिसल गया, गिर गया, च्युत हो गया, इसलिए आज ये हानि हो रही है चारों तरफ। काश आप अपने धर्म को अपनी संस्कृति को जानते। हमारा हिंदू बट भी तो गया, किस में बट गया? जातियों में बट गया। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। कोई अपने आप को ब्राह्मण कहता है, कोई अपने आप को क्षत्रिय कहता है, कोई अपने आप को वैश्य कहता है, कोई अपने आप को शूद्र कहता है, बट गया। जबकि भगवान ने ये व्यवस्थाएं बनाई थी कि भारत में इस धरती पर मानव जाति की व्यवस्था बनी रहे। ब्राह्मण नाम नहीं है किसी का, ब्राह्मण एक व्यवस्था है। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर किसी का नाम नहीं होता, हॉस्पिटल में डॉक्टर किसी का नाम नहीं होता, डॉक्टर एक डिग्री है, एक व्यवस्था है। हाँ या ना बोलो? हाँ। ये डॉक्टर है, ये फला स्पेशलिस्ट है, ये इस हड्डी स्पेशलिस्ट है, ये जो भी शरीर के अंग हैं वो स्पेशलिस्ट हैं, वो उसका ऑपरेशन करते हैं। तो डॉक्टर नाम नहीं है किसी का, डॉक्टर एक व्यवस्था है, एक डिग्री है। उस डिग्री को व्यवस्था के रूप में रखा गया है कि यदि आपके पास ये डिग्री है, ये अनुभव है, तो समाज आपको डॉक्टर कहेगी। डॉक्टर मींस उस विषय का जानकार, डॉक्टर मींस उस विषय का जानकार। एडवोकेट किसी का नाम नहीं है, एडवोकेट किसी का, वकील किसी का नाम नहीं है। वकील वकालत करने वाले को सरकार एक डिग्री देती है कि आपके पास यदि ये डिग्री है, ये लाइसेंस है, तो आप किसी का केस लड़ने के अधिकारी हैं, आपको ज्ञान है, इस बात की पुष्टि करता है वकील। वकील होना मींस आप में से कोई कहे कि जी मैं वकील हूँ, तो आप ये कहें कि मैं वकील हूँ, तो इतना पुष्ट हो जाएगा कि आपको कानून की जानकारी है। वकील मींस कानून का जानकार, डॉक्टर मींस उस विषय का जानकार, है ना? ये नाम नहीं है। उसी तरह ब्राह्मण मतलब वेदों का जानकार, व्यवस्था का जानकार, क्षत्रिय मतलब सेना का जानकार, अधिपति महामहिम व्यवस्थित व्यवस्था करने वाला, युद्ध को तरीके से जिताने वाला, युद्ध की प्लानिंग करने वाले को क्षत्रिय कहते हैं। वैश्य किसी का नाम नहीं है, वैश्य मीन्स व्यवस्था, के जाओ देश विदेश में व्यापार करो और अपने देश को आर्थिक मजबूती प्रदान करो, व्यवस्था का नाम वैश्य है। शूद्र, शूद्र मीन्स सेवा, जो सेवा सबकी करे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो और सबके साथ जो काम करे, सबका सपोर्ट। डॉक्टर अकेला ऑपरेशन ही कर सकता, ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर के संग चार छह लोग उसके साथ काम करते हैं, तो अकेला डॉक्टर ऑपरेशन कर ही नहीं सकता। कैंची कौन देगा, टांके कौन लगाएगा, ये कौन करेगा? उसके लिए भी तो असिस्टेंट होते हैं, नर्स होती है, फला होते हैं, फला होते हैं। हाँ या ना? व्यवस्था एक डॉक्टर है, पर एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करेगा तो उसके संग चार छह लोग होंगे। हाँ या ना? वो डॉक्टर ना कहलाएंगे, वो नर्स कहलाएगी, वो व्यवस्थापक कहलाएंगे। उसी तरह ब्राह्मण के संग जो व्यवस्थापक रहेंगे वो सूत्र रहेंगे।
क्षत्रिय के संग जो व्यवस्थापक रहेंगे, सेना रहेगी, वो शूद्र रहेंगे। शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के संग जो उसके व्यवस्थापक रहेंगे वो शूद्र रहेंगे। मतलब शूद्र ऐसा है जो तीनों के साथ खड़ा है भाई की तरह, कंधे से कंधा मिलाकर। तो भाई ये बन गई व्यवस्था। अब इस व्यवस्था से आप अपना देश चलाओ कि तुम वेद पढ़ोगे, वेद पढ़ाओगे, यज्ञ करोगे, यज्ञ कराओगे, दान लोगे, दान दोगे, तुम युद्ध का नियम फॉलो करोगे, क्षत्रिय तुम पैसा कमाओगे, वैश्य तुम सेवा करोगे, शूद्र। ये व्यवस्था थी। बाद में क्या हुआ कि बाद में वो हो गई जातियां। व्यवस्था को आपने क्या मान लिया, जोर से, व्यवस्था को आपने क्या मान लिया? जैसे नेता, नेता नेता नाम नहीं है किसी का, नेता एक व्यवस्था है। भाई ये हमारे नेता है, हमारे यहाँ के नेता नाम नहीं है किसी का, ये व्यवस्था है, उसे नेता कहते हैं जो यहाँ का नेतृत्व करता है। इतने लोगों का जो नेतृत्व करे वो नेता, सिंपल, नाम नहीं है। उसी तरह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये व्यवस्थापक हैं। बाद में अज्ञान वजह हिंदुओं ने गलती क्या की, इतना अज्ञान भर लिया कि उस व्यवस्था को जाति में कन्वर्ट कर दिया, जाति हो गई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। बाद में और जातियां हुई, फिर क्या हुआ, फिर अंग्रेज आए, मुगल आए, उन्होंने कहा वाह ये हिंदू लोग तो बटे हुए हैं जातियों में, चलो इन्हें आपस में लड़ाते हैं, मजा आएगा। लो भैया मुगलों ने आकर हिंदुओं को खूब लड़ाया, फूट डालो, शासन करो, किसका नारा था, अंग्रेजों का। आपस में फूट डाली, ब्राह्मण को क्षत्रिय से लड़ाया, क्षत्रिय को वैश्य से, वैश्य को शूद्र से लड़ाया, आपस में लड़ाया, एक राजा का साथ दिया अंग्रेजों ने, बोला हम तेरा साथ देंगे, उस राजा को पराजित करो। तो अंग्रेजों की सेना मिलकर उनको, उस राजा को हराया, और जब वो हार गया तो अंग्रेजों ने उसे भी मार दिया कि तू जब अपने देश के आदमी का साथ नहीं दे सका तो हमारा क्या देगा, उसे मारकर दोनों की सत्ता पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, मुगलों ने। ये नीति थी उनकी। अब हिंदू पता नहीं कब सीखेगा, कब समझेगा, कब जानेगा कि हमें आपस में नहीं लड़ना, सबके घर जाओ, ब्राह्मण के घर जाओ, वैश्य के घर जाओ, शूद्र के घर जाओ, वैश्य शूद्र के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के घर जाओ, सबका हाल चाल लो, अरे भाईचारे से रहो। तुम एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता की चार संतान हैं, तुम चारों के पिता कौन है, कभी नोट किया इस बात को? ब्राह्मण के पिता कौन, भगवान। क्षत्रिय के पिता कौन, भगवान। वैश्य के पिता कौन, भगवान। शूद्र के पिता कौन, भगवान। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ब्राह्मण भगवान के मुंह से प्रकट हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजा से, वैश्य भगवान की जंघा से, और शूद्र भगवान के चरण से। तो पिता चारों के एक हुए कि नहीं? तो तुम एक बाप की संतान हो तो लड़ते क्यों हो आपस में, तुम तो भाई हो गए। तुम्हारे इस झगड़े के कारण आज लाखों हिंदू धर्म परिवर्तन करके अन्य धर्मों में चले गए, केवल इसलिए कि तुम्हें अपने धर्म के बारे में सही जानकारी नहीं थी। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म कोई कठिन नहीं है। हमारा धर्म कहता है कि काम करते रहो और भगवान का नाम जपते रहो, बस इतना है। काम करते रहो, नाम बस, भगवान से प्रेम करो। हमारा धर्म क्या सिखाता है? प्रेम। जोर से, राम ही केवल, उत्तर दो, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननी हारा। संग संग बोलो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, फिर से राम ही केवल, बोलो राम ही केवल प्रेम प्यारा, पूरा बोलो राम ही केवल प्रेम प्यारा, बोलो जोर से, ऐसे बोलो कि याद हो जाए। राम ही केवल, राम जी को क्या पसंद है, जोर से, प्रेम। हमारा धर्म क्या मांगता है तुमसे? पैसा? पैसा नहीं मांगता। हमारे भगवान ना पैसा, ना हीरा, ना मोती, ना सोना, ना चांदी, कुछ नहीं मांगते तुमसे। केवल इतना कहते हैं कि बस हमसे प्रेम करो, बस भगवान हमारे प्रेम के भूखे हैं, बस प्रेम। और तुम वो प्रेम नहीं कर पाते, कहते हो अरे हिंदू धर्म बड़ा कठिन है,
कठिन है, प्रेम करना कठिन होता है। प्रेम तो तुम अपनी माँ से करते हो, पत्नी से करते हो, बेटे से करते हो, जरा सा भगवान से कर लो, हो गई बात। इतनी सी बात है। अन्य धर्म, हिंदू धर्म प्रेम सिखाता है। हमारे यहां गाय को पाला जाता है, गाय से प्रेम करो, गाय माता है। हमारे यहां पीपल पेड़ पौधे की पूजा होती है, पीपल पेड़ पौधे से प्रेम करो, नदी से प्रेम करो, नदी की पूजा होती, समुद्र से प्रेम करो, पहाड़ से प्रेम करो, गिरिराज जी पहाड़ से प्रेम करो। हमारे यहां प्रेम चींटी को दाना डालो, कबूतर को दाना डालो, सिखाया ना तुम्हारी माँ ने, गाय को रोटी खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, सिखाया ना तुम्हारे बाप दादों ने। तुम्हारी हमारी संस्कृति केवल प्रेम करना सिखाती, कुत्ते से प्रेम करो भैया, कुत्ते को रोटी डालो, किसी का दिल ना दुखाओ, ये संस्कृति है हमारी। सबकी सेवा करो, सबको पेट भर, तुम भी खाओ औरों को भी खिलाओ, तुम्हारा भी पेट भरा रहे, तुम्हारे बच्चों का भी पेट भरा रहे, और तुम्हारे आसपास कुत्ता बिल्ली है उनका भी पेट भरो, उनका भी पेट भरो, गाय का पेट भरो, कुत्ता का पेट भरो, चिड़िया का पेट भरो। चींटी को दाना डालने की संस्कृति दुनिया में कहीं है तो केवल हिंदुओं के पास, सनातनियों के पास। ये भारत के लोग, ये संस्कृति वाले लोग, शंकर जी को जल चढ़ाने वाले लोग, जल चढ़ाया जाता है हमारे यहां। अन्य धर्मों की बात बताऊं, ताजमहल जिसने बनवाया, मैं केवल बात करूंगा, समझना तुम्हारा काम है, समझदार हो तो समझना, नहीं हो तो मैं समझदार बनो पहले। ताजमहल जिसने बनवाया, उसके बेटे ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया और बाप का राज्य छीन लिया। बोलो हां। चार भाई थे, तीन भाइयों का सिर काटा और थाली पे सजाया और अपने पिता को दिया, पिताजी ये लो, तीनों भाइयों को मार दिया हमने, सर लो, हाँ, और तुम्हें जेल में, और जेल में बंद किया तो अपने बाप को पानी नहीं दिया साहब, तौल कर देता था, केवल 100 ग्राम पानी मिलेगा बुढ़ा, 100 ग्राम पानी। ताजमहल बनवाने वाले व्यक्ति ने कहा कि तुमसे अच्छा बेटा, रोटी तो तू भरपेट देता नहीं, कम से कम गर्मी पड़ रही है, पेट भर पानी तो दे दे। ताजमहल बनवाने वाले की बातें कर रहा हूं, हिस्ट्री पढ़ लेना विस्तार से। उसने कहा कि बेटा पेट भर पानी तो दे दे, तेरे से अच्छे तो वो हिंदू हैं, काफिर, काफिर मीन्स हिंदू, उनकी भाषा में काफिर हिंदुओं को, तेरे से अच्छे तो वो हिंदू हैं, तो अपने जीते जी बाप को पानी नहीं देता, और वो हिंदू लोग मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं, गया में जाकर पिंडदान करते हैं। और हमारे यहाँ एक महीना होता है साल में, एक महीना जिसे श्राद्ध पक्ष कहा जाता है, जिस पक्ष में, जिस महीने में तुम्हारे मरे हुए बाप दादों के नाम से भी तुम्हारे पानी देने का धर्म बताया गया कि भाई अपनी माँ को, अपने बाप को, दादा को, परदादा को तुम पानी दो। ये क्यों कहा गया चलो बताओ जरा। मरने के बाद भी अब लोग कहते हैं अरे मरे हुए बाप दादों को पानी देते हैं, ये श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो क्या मरे हुए को पानी मिल जाएगा? इन मूर्खों को पलट के समझाया करो कि मूर्खों, ये बात इसलिए कही जाती है कि हिंदू ऐसा है कि मरे हुए बाप को पानी देता है तो जीते जी बाप की कितनी सेवा करता होगा, तुम्हारी तरह नहीं कि तुम्हारे बाप को पानी तौल तौल करके देता हो। इतनी श्रेष्ठ संस्कृति रही है भारत की, इतनी श्रेष्ठ संस्कृति रही है। एक भाई ने अपने तीन भाइयों का सिर काट दिया और हमारे यहां एक भाई वनवास चला तो दूसरा भाई संग संग वनवास चला गया और तीसरा भाई खड़ाऊ रख के उनकी और नंदी ग्राम में जाके जमीन के नीचे सोता गड्ढा खोद कर के मेरा भाई जमीन में सो रहा है तो मैं भाई से नीचे सोऊंगा। ये संस्कृति हिंदुओं की है, ये संस्कृति हमारी है, ये संस्कार हमारे हैं। और देखो तुम हिंदू धर्म छोड़ रहे हो, अपनी संस्कृति छोड़ रहे हो, इतनी श्रेष्ठ। जिस संस्कृति को आज विदेशी लोग अपनाने लग गए हैं, सारी दुनिया आज भारतीय संस्कृति के पीछे भाग रही है,
संस्कारों के पीछे भाग रही है। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी माओ, मेरी माँ सबसे विनती करता हूँ, 23 घंटे अपने लिए कमाओ, व्यापार करो, बिजनेस करो, खूब काम करो 23 घंटे, पर एक घंटा निकालना पड़ेगा पूरे भारतवासियों को, एक घंटा निकाल करके और उन गरीब हिंदुओं तक, उन पिछड़ों तक, उन दलितों तक जाओ, उन वंचितों तक जाओ जो अपने धर्म को नहीं जान पा रहे हैं। आप समय निकालो और एक घंटा जाकर अपने संस्कृति, अपने धर्म का प्रचार करो, दुनिया तक रामचरितमानस पहुंचाओ। ये रामचरितमानस लो, ये भगवद गीता लो, पढ़ो क्या लिखा है। आज जंगल में जो कोल भील भाई हमारे रहते हैं ना, उन तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। हिंदू नहीं पहुंच पाया, क्रिश्चियन लोग पहुंच गए, उन्होंने 1000-2000 पैसे का प्रलोभन दिया और अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। हिंदुओं के पास समय नहीं है, पंचायत करने से समय नहीं, प्रपंच करने में उलझे हैं। दो पैसा कमाने लग जाए, दो पैसा ज्यादा मिल जाए तो शराब पी के अभिमानी होके यूं यूं चलते हैं। भारत के हिंदुओं ने अपनी संस्कृति, अपने धर्म का प्रचार नहीं किया, इसलिए यह स्थिति हुई। लोगों ने जिम्मेदारी नहीं समझी अपनी अपनी, ना अपने धर्म को ठीक से जाना, ना जानने की कोशिश की, ना तो जनाया, औरों को बताया। हमारी हिंदुओं को, 5% हिंदुओं को छोड़ दो तो 95% हिंदुओं से पूछना हनुमान चालीसा सुनाओ, 95% हिंदू हनुमान चालीसा ना सुना पाएंगे। आपको याद नहीं है, पढ़ते नहीं है। पूरे भारत के हिंदुओं में 5% हिंदुओं को सिर्फ हनुमान चालीसा याद होगा, शायद 95% लोगों को हनुमान चालीसा याद नहीं। आपको याद है हनुमान चालीसा? आपको याद है? नहीं याद है? भूल गए? गुटखा खाना याद है? तंबाकू खाना याद है? शराब पीना याद है? मांस खाना याद है? झगड़ा करना याद है? अपनी संस्कृति को जानना याद नहीं है, ये विडंबना है मेरे भाई। हम हिंदुओं की, हम सनातनियों की, इसलिए अपनी संस्कृति, अपने धर्म को जन जन तक पहुंचाओ। आज तो विदेशी लोग आते हैं और हिंदू धर्म अपनाते हैं, अंग्रेज हरे राम जप रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। विदेशी महिलाएं साड़ी पहनकर तिलक लगा के गले में तुलसी की माला पहनती हैं और भारत की बहन बेटियों को तुलसी की माला पहनने में शर्म आ रही है। भारत की स्त्रियों को तुलसी की माला पहनने में लाज आती है, वो विदेशी महिलाएं तुलसी समझ गई कि तुलसी की महिमा क्या है, और तुम फटे कपड़े पहने घूम रही हो। हाँ या ना? तुलसी की माला की महिमा, तिलक क्या है? तिलक की महिमा नहीं पता लोगों को, तुलसी क्या है। आजकल हिंदुओं की विडंबना, मुसलमान कभी टोपी लगाए के जाए तो कभी कोई दूसरा मुसलमान हंसता नहीं है कि तूने टोपी क्यों लगाई, पर हिंदुओं की विडंबना देखना कि किसी हिंदू ने माथे पर तिलक लगाया हो और तुलसी की माला पहनी हो तो हिंदू ही हंसते हैं, अरे बड़ा पंडित बन रहा है, बड़ा भगत बन रहा है। तुम अपने धर्म में, अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा की मजाक बनाओगे तो फिर संस्कृति का पालन करेगा कौन? पाकिस्तानी करेंगे क्या? ये विडंबना है हिंदुओं की, समस्या है। स्त्रियां जरा सा तिलक लगाने लग जाएं और माथे पर तिलक लगाकर गले में तुलसी की माला पहनने लग जाएं तो पड़ोसन कहती है बड़ी मीरा बन रही है, तो तू सूपनखा बन जा, किसने रोका है? ताड़का कहीं की बोल दिया करो, तू ताड़का हो जा। अरे तुलसी की माला भारत की स्त्रियां नहीं पहनेंगी, तुलसी की माला भारत के पुरुष नहीं पहनेंगे तो कहां के पहनेंगे? तिलक हम भारतीय लोग नहीं लगाएंगे तो कहां के लोग लगाएंगे? इसलिए अपनी संस्कृति, अपने धर्म से प्यार करना सीखिए, अपने उस वैदिक ज्ञान से प्यार करना सीखिए। गीता सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाला ग्रंथ है। गीता
गीता जो समझ गया उसकी बल्ले बल्ले हो गई, नहीं समझा तो जिंदगी भर रोएगा। आज दुनिया गीता के ज्ञान पर काम कर रहा है और तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। गीता का अपना जलवा है दुनिया में, विदेशों में तो सिलेबस में पढ़ाया जाता है गीता को, और भारत में देखो गीता रखी है कोर्ट कचहरी में। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, कसम झूठी जो आदमी गलत काम करेगा, जिसने गीता कभी सुनी नहीं पढ़ी नहीं, वो तो झूठी लाख कसम खाएगा गीता की। उससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि सच कसम खाएगा? अरे सच तो वही कसम खाएगा जिसने गीता को जाना है। जो जानेगा वो गीता का आदर करेगा, जो जाना ही नहीं वो गीता का आदर क्यों करेगा? उसके लिए तो कागज के टुकड़े हैं। इसलिए गीता कोर्ट कचहरी में नहीं, गीता बच्चों के बैग में होनी चाहिए। क्लास में बैठ के पढ़ने का सब्जेक्ट है गीता, कोर्ट कचहरी पे हाथ रखवाने का विषय नहीं है गीता।